महाराष्ट्र के चुनाव का ऐलान हो गया है और शुरू हो गई है सियासत की नई पारी। हिंदी मसाला फिल्मों में जितने ट्विस्ट और एंगल होते हैं, वैसे ही पिछले 5 साल में महाराष्ट्र की राजनीति में हुआ। दोस्ती में दरार हो, नया याराना हो, बगावत भारी हो या भारी भरकम डायलॉग बाजी हो, सियासत को एक्शन और इमोशन भरपूर मिला। नमस्कार, मैं प्रिया श्रीवास्तव आपका स्वागत करती हूँ सी न्यूज भारत की इस खास रिपोर्ट में। 2024 का चुनाव ऐसे समय में हो रहा है जब महाराष्ट्र की राजनीति में काफी उठापटक हो चुकी है। इस चुनाव मैदान में बीजेपी और कांग्रेस तो वैसी ही है, मगर तड़का यह है कि शिवसेना और एनसीपी के दो गुट भी रेस में हैं। 2019 के चुनाव में 4 बड़े राजनीतिक दल बीजेपी, कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के बीच मुकाबला था। इस बार पूरी की पूरी 6 पॉलिटिकल पार्टियां हैं। इन 5 सालों में महाराष्ट्र में 3 सरकार, 3 मुख्यमंत्री और 3 उप मुख्यमंत्री भी रहे। बता दें कि कई राजनीतिक घटनाएं पहली बार हुई, जैसे कि ठाकरे परिवार से पहली बार उद्धव ठाकरे सीएम बने और उनका बेटा आदित्य ठाकरे कैबिनेट मंत्री बनाए गए। सीएम रहे देवेंद्र फडणवीस को शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम बनना पड़ा और अजीत पवार भी 3 सरकारों का हिस्सा रहे और डिप्टी सीएम बने रहे। इतना ही नहीं, अचानक ऐसा ट्विस्ट आया कि लगा कि सीन तो एकदम क्लाइमैक्स पर पहुंच गया है। हुआ यूं कि 25 साल साथ रहने के बाद बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन टूट गया। फिर दोनों राजनीतिक दलों ने गठबंधन के नए प्रयोग कर डाले। शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी के साथ चली गई। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने, उनकी सरकार 2.5 साल तक चली। इस दौरान बीजेपी को महाराष्ट्र में कोई नया पार्टनर नहीं मिला। फिर महाराष्ट्र में बगावत का नया खेल शुरू हो गया। एमएलसी चुनाव में शिवसेना के 12 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। फिर एकनाथ शिंदे 16 विधायकों के साथ सूरत चले गए। 20 जून को उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री रहे। एकनाथ शिंदे ने दावा किया कि उनके पास तो 40 के 40 विधायक हैं। 29 जून 2022 को उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद बीजेपी को शिवसेना यानी कि शिंदे गुट वाली शिवसेना के तौर पर नया पार्टनर मिल गया। फिर भी पिक्चर का चैप्टर नया शुरू हो चुका था। लोकसभा चुनाव में अघाड़ी जीती। जैसे लोकसभा चुनाव में शिवसेना यानी कि उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना को 9 सीटें मिली, शरद पवार की एनसीपी को 8 सीटें मिली, सांसद तुरही चुनाव चिन्ह के साथ जीते, धनुष बाण चुनाव चिन्ह होने के बावजूद शिंदे 7 सीटों पर सफल रहे, घड़ी ने अजीत का साथ नहीं दिया और उन्हें 1 सीट मिली, बीजेपी को 14 सीटों का नुकसान हुआ और उनके सिर्फ 9 सांसद चुने गए, कांग्रेस को 12 सीटों का फायदा हुआ और वो 13 सीटें जीत गए। देखा जाए तो इस तरीके से महाविकास अघाड़ी ने 48 में से 30 सीटें जीत ली और महायुति को 17 सांसदों से ही संतोष करना पड़ा। अब चुनाव की घोषणा हो गई है, ऐसे में इस बार का क्लाइमैक्स कैसे धुआंधार होगा ये देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।